इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है iQube का मोबाइल तो उसमें आप दोस्तों अपने फ़ोन को बिना टच किए आप जो है कोई भी कॉल को रिसीव कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं पर रखा हुआ है और दोस्तों किसी का कॉल आ रहा है, तो आप अपने मोबाइल को बिना हाथ से टच किए या बिना अपने हाथ में लिए उस कॉल को कैसे रिसीव करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये काफ़ी काम का सेटिंग्स है, आप इसे यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको जाना है अपने iQube मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाकर नीचे आइएगा, नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है देखिए स्मार्ट कॉलिंग का, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों वेव टू हैंड स्प्रे का। ये सेटिंग्स आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देना है। देखिए ये सेटिंग्स ऑन रहेगा तो क्या होगा कि कोई भी इनकमिंग कॉल आपके फ़ोन पर आ रहा है और आपका फ़ोन कहीं पर रखा हुआ है तो आप दोस्तों फ़ोन के स्क्रीन के 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जब आप अपने हाथ को दोस्तों जो है फ़ोन के स्क्रीन से दोस्तों इधर उधर 3-4-5 बार हिलाएंगे डुलाएंगे स्क्रीन के ऊपर से, तो वहाँ पर वो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा, मतलब उठ जाएगा, और वो कॉल दोस्तों हैंड्स फ्री पर होगा, मतलब आपका स्पीकर भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको फ़ोन के ऊपर से 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ही अपने हाथ को अपने फ़ोन के स्क्रीन के लेफ्ट और राइट साइड की ओर दोस्तों हिलाना डुलाना है तो आपका कोई भी कॉल जो है ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा बिना मोबाइल को टच किए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।